हेलो स्टूडेंट्स, बेटा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दे हुन जेडे सेगमेंट च आपां आए हैं उत्थे आपां हुन पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स दी प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल दे विच डाउन द ग्रुप या अलोंग द पीरियड किवें किवें चेंज हुंदी है। सो आपां केड़ी केड़ी प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है ये अलग अलग वीडियो च आप सारिया प्रॉपर्टीज स्टडी करांगे। सो अज दे वीडियो दे विच इस लैक्चर च आप एटॉमिक रेडियस मतलब एलिमेंट्स की जिहड़ी प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज उनू आप स्टडी करना है। सो सब तो पहला वट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हुंदा है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस दे सेंटर तो लेके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक दी जिहड़ी दूरी है उस दूरी नूं आपां एटॉमिक रेडियस कहने। सो एटम बहुत छोटा हुंदा है आपां देख नहीं सकते। सो उन्ने छोटे एटम नूं जिहनूं आपां देख नहीं सकते आपां उहदा रेडियस मेजर करना है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी अंडरस्टैंडिंग वट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। रेडियस दे प्लूरल नू रेडियाई कहंदे आ बेटा। एटॉमिक रेडियस दे अलग अलग नाम हो सकते हैं। केड़े केड़े नाम? कोवलेंट रेडियस हो सकता है, मेटैलिक रेडियस हो सकता है, ते वेंडरवॉल रेडियस हो सकता है। सब तो पहला आप शुरू करते हैं कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस बेटा उन्हां केसेस च होएगा जिथे कोवलेंट मॉलिक्यूल है मतलब जिवें आपां नॉन मेटल्स देखदे हां आम तौर ते हाइड्रोजन है क्लोरीन है ये H2 या Cl2 इन्हां दे मॉलिक्यूल इस तरीके नाल एग्जिस्ट करदे हैं। सो जे H2 मॉलिक्यूल है मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम आपस च फ्यूज कीते हुए हैं तो इन्हां दे न्यूक्लियाई दे डिस्टेंस दा हाफ कर दिए। ए हाइड्रोजन एटम दा न्यूक्लियस दा सेंटर है और बी जिहड़ा है ओ दूसरे हाइड्रोजन एटम दे न्यूक्लियस दा सेंटर है। ए बी लेंथ आपां मेजर कर लैंदे हां ते उहनूं हाफ कर दिंदे हां डिवाइड कर दिंदे हां। जिवें इत्थे सपोज अपने कोले ए बी लेंथ 74 पिकोमीटर है इन केस ऑफ हाइड्रोजन तां हाइड्रोजन दा एटॉमिक रेडियस 74 नूं 2 नाल डिवाइड कर दांगे तां अपने कोले 37 पिकोमीटर आ जाएगा। जे आपां क्लोरीन दी गल करिए तां क्लोरीन दे विच ए बी डिस्टेंस 198 है तां उहनूं जदों हाफ करांगे तां 99 पिकोमीटर आ जाएगा। हुण आपां ये कह सकते हैं कि कोवलेंट रेडियस है जिहड़ा ओह किसे भी एटम दा न्यूक्लियाई दे सेंटर्स तों जिहड़ा डिस्टेंस है उहदा आपां अद्ध कर लैणा है। ठीक है, उहनूं आपां कहिंदे हैं कोवलेंट रेडियस। चलो हुण आपां बहुत ही फनी वे दे विच एटॉमिक रेडियस नूं विजुअलाइज करते हैं कि कोवलेंट रेडियस की चीज होंगी है। बेटा एक सफियर है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, एटम भी कुछ इस तरीके का ही होंदा है ऑलमोस्ट स्फेरिकल। सो एटम दे सेंटर च की होंदा है? न्यूक्लियस, जो कि बहुत छोटा होंदा है ना, एटम नूं आपां देख नहीं सकते। तो एटम दे जिहड़ा साइज है यानी उनका वॉल्यूम है उनके रेडियस नूं मेजर करना पेगा। जे एटम नूं आपां हथ च फड़ सकते हुंदे तां उहदा वी आपां स्केल दे नाल रेडियस मेजर कर लैणा सी, पर आपां नूं पता है कि एटम नूं असीं देख भी नहीं सकते। सो वट वी डू, आपां करदे हां लाइक दिस। दिस सेंट्रल पार्ट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियस। ठीक है, सो न्यूक्लियस तों जिहड़ी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक दी दूरी है इस दूरी नूं आपां एटॉमिक रेडियस कहने एंड इट इज फ्यूज्ड विद दिस। सो नाउ आई एम कटिंग इट फ्रॉम बोथ, ता अपने कोले कुछ इस तरीके दा पिक्चर आ जाएगा। सपोज दिस इज वन हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज अनदर हाइड्रोजन एटम। ये फ्यूज होके इन्होंने मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। सो इस मॉलिक्यूल दे विच एक न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस है। इन्हां दे विचकार दी दूरी जे असीं मेजर कर लैंदे हां ते उहनूं हाफ कर दिंदे हां तां साडे कोल जिहड़ा आएगा रेडियस उहनूं असीं कहांगे कोवलेंट रेडियस। क्वेश्चन इत्थे इह अराइज हुंदा है कि असीं मॉलिक्यूल दा डिस्टेंस लै के उहदा अद्ध क्यों कीता, मॉलिक्यूल दे न्यूक्लियाई दा डिस्टेंस लै के उहदा अद्ध क्यों कीता।
क्योंकि बेटे कल्ले एक एटम का डिस्टेंस इन्ना स्मॉल है, मॉलिक्यूल दे विच दो एटम दे न्यूक्लियाई दा डिस्टेंस हो जाएगा, वो कंपैरेटिवली बड़ा डिस्टेंस है जिन्हों असी मेजर कर सकते हैं। सो इस करके असी कोवलेंट रेडियस लैने हैं, यानी एक मीन एवरेज डिस्टेंस न्यूक्लियाई जेड़े मॉलिक्यूल दे विच प्रेजेंट है उन्ना दोनों दे विचकार दी दूरी आपां इत्थों दी मेजर कर लांगे ते उन्दा अद्ध कर दांगे तो अपने कोले आ जाएगा ये कोवलेंट रेडियस। हुण जिस तरह इत्थे डायग्राम विच दिखाया गया बेटा कि एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम दे नेड़े आंदा है ते एक डिस्टेंस ते जाके एह एक दूसरे च थोड़ा जा मर्ज हुंदे है, ए न्यूक्लियाई एक दूजे दे इस तो ज्यादा नेड़े नहीं जा सकते। सो ए डिस्टेंस जेड़ा है ए बॉन्ड लेंथ है, आपां इस दा अद्ध जे करांगे हाफ कर लवांगे ना इस डी नूं ता अपने कोले एक एटम दा एक रफ रेडियस जा आ जाएगा, एक एवरेज जा रेडियस आ जाएगा। एटॉमिक रेडियस दा एक होर नाम बेटे आपां बड़ा पॉपुलर है जिन्हों स्टडी करना है, दैट इज वेंडरवॉल रेडियस। कोवलेंट रेडियस तो हुंदा ना जदों एटम्स आपस च बॉन्ड बना रहे हैं, वेंडरवॉल रेडियस आपां उदों लेना है जदों कनेक्टिंग स्पीसीज जिहड़े हैं वो आपस दे विच कोई बॉन्ड नहीं बना रहे। सो वेंडरवॉल रेडियस नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स या नॉन बॉन्डिंग एटम्स दे विच रेडियस दी एक टाइप नूं मेजर करन दे लई इस्तेमाल किया जाता है। जे आपां क्लोरीन दे केस दे विच ही सपोज क्लोरीन जिवें आपां नूं पता ही है गैस है, आपां क्लोरीन दा कोवलेंट रेडियस तां कढ लिया, आपां नूं ध्यान च है 99 पिकोमीटर आपां कोवलेंट रेडियस हुणे ही पढ़िया है। ते जे क्लोरीन दे मॉलिक्यूल्स आपस दे विच क्लोरीन मॉलिक्यूल ए एक मिनिमम डिस्टेंस तक एक दूजे दे नेड़े आ सकते हैं, इन्हां च किसी तरह की कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। आपां नूं पता है भी गैसेस दे विच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन घट हुंदी है या हुंदियां ही नहीं। सो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल दूजे क्लोरीन मॉलिक्यूल दे बहुत ज्यादा नेड़े या अट्रैक्शन नहीं महसूस करेगा। आपां की करदे हैं एक मॉलिक्यूल दी दूजे मॉलिक्यूल दे न्यूक्लियस तो दूरी नोट कर लैंदे हैं, जिदा इस केस दे विच 360 पिकोमीटर है, ते जे आपां उहदा अद्ध कर देवांगे तां इहनूं आपां कहांगे वेंडरवॉल रेडियस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। ध्यान नाल समझण वाली गल है, कोवलेंट रेडियस दे विच बॉन्डिंग हुंदी है ते आपां दो न्यूक्लियाई दे विचकार दा जिहड़े न्यूक्लियस जुड़े होए हैं उहनां दे विचकार दी दूरी दा अद्ध करदे हां, उहनूं आपां कहिंदे हां कोवलेंट रेडियस। वेंडरवॉल रेडियस आपां उस केस च लै रहे हैं जदों एक मॉलिक्यूल दूजे मॉलिक्यूल दे नाल जुड़िया नहीं होया। जे बेटे तुसीं क्लोरीन एटम्स दे विचकार दी दूरी सॉलिड स्टेट दे विच देखदे हो, जे आपां ही क्लोरीन गैस नूं सॉलिडिफाई कर लिए ना तां उत्थे आपां नूं जिहड़ी है दूरी जिहड़ी है उह कंसीडरेबल अमाउंट ते मापन योग होण करके आपां देखदे हां वी उह 360 पिकोमीटर है, ते अपने कोले वेंडरवॉल रेडियस क्लोरीन दे केस विच आ गया 180। ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਮਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਮਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕਲੋਰੀਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਹਨਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਉਸਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਰੇਡੀਅਸ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਆਹ ਦੂਸਰਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਆਹ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਨ ਬੌਂਡਿਡ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਂਡਰਵਾਲਸ ਰੇਡੀਅਸ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਰੇਡੀਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਰੇਡੀਆਈ ਨਾਲੋਂ ਬਿਗਰ ਹੋਣਗੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਵਲੈਂਟ ਰੇਡੀਅਸ।
और जदों दो मॉलिक्यूल आपस दे विच फ्यूज ही नहीं कर रहे ता इस डिस्टेंस दा जड़ा हाफ है उन्हों आप कह रहे हैं वेंडरवॉल रेडियस। सो वेंडरवॉल रेडियस इज ऑलवेज बिगर दैन कोवलेंट रेडियस। हुण आपां क्लोरीन दी ही गल कर लिए ता कोवलेंट रेडियस क्लोरीन दे केस च 99 पिकोमीटर है जबकि वेंडरवॉल रेडियस जड़ा है दैट इज अराउंड 180 पिकोमीटर। सो वेंडरवॉल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर। सो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रोंगर हुंदा है दैन वेंडरवॉल फोर्स। इस करके वेंडरवॉल रेडियस जड़ा है वो बिगर होएगा दैन कोवलेंट रेडियस। नेक्स्ट है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस दे लई आपा पहला मेटल दा स्ट्रक्चर देखदे हैं फिर गल करदे हैं मेटालिक रेडियस की चीज है। मेटल दा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दा हुंदा है कि मेटल दे न्यूक्लियस दे आले दुआले जड़े इंदे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कर्नल तो दूसरे कर्नल तक मूव करदे रहंदे हैं, फ्रीली मूव करदे हैं। मेटल दे स्ट्रक्चर च आपा देखिया कि पॉजिटिव जड़े कर्नल्स हैं दे आर एम्बेडेड, ठीक है, और एम्बेडेड इन व्हाट, एम्बेडेड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉना दे समुंदर दे विच जिहड़े आ कर्नल्स हैं ए एम्बेडेड है। सो कहन दा मतलब ए कि इलेक्ट्रॉन्स इन्हां दे आले दुआले फ्रीली रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रेवोल्यूशन इन्हां दा हो रहा है, फ्रीली मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो दो नेबरिंग एडजेसेंट कर्नल्स दे न्यूक्लियाई दा जे आपां डिस्टेंस माप लैने इस डिस्टेंस का हाफ कर देंगे तो इस रेडियस नूं आपां कहांगे मेटालिक रेडियस। हुण जिवें कॉपर दे विच आपां गल करिए इह डिस्टेंस हुंदा है 256 पिकोमीटर। सो आपां इहदा जे हाफ करांगे तो अपने कोल 128 पिकोमीटर एक कॉपर एटम का रेडियस आ जाएगा। सो जदों हुण आपां नूं पता है कि कोवलेंट रेडियस की है, मेटालिक रेडियस की है, वेंडरवॉल रेडियस की है, हुण आपां अगली चीज करनी है कि एटॉमिक रेडियाई पीरियड दे विच जदों आपां मूव करदे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तां किस तरीके नाल वेरी करदे। सो जिवें कि डायग्राम इत्थे ड्रॉ कीता ही होया है, तुसीं देख सकदे हो कि जदों असीं खब्बे तों सज्जे वल नूं जांदे हां पीरियोडिक टेबल दे विच तां एटम्स दा साइज घटदा जांदा है। हां, नोबल गैसेस नूं बेटे लास्ट दे विच हुंदियां नोबल गैसेस सब तों सज्जे पासे, उन्हां नूं आपां इन्हां नाल कंपेयर नहीं करना। सो अपना कंपैरिजन जिहड़ा रिप्रेजेंटेटिव एलीमेंट्स तक ही रहेगा, हैलोजन्स तक ही रहेगा। एटॉमिक साइज जिहड़ा है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हुंदा है। क्यों डिक्रीज हुंदा है? देखो, पहला कारण है कि न्यूक्लियर चार्ज वध रहा है। इहदा की मतलब है न्यूक्लियर चार्ज वध रहा है? मतलब कि न्यूक्लियस दे अंदर जिन्ने प्रोटोनस हैं उन्हां दी गिनती वध रही है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੱਧਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, ਲਾਈਕ मतलब सेकंड शेल ही भर रहा है, इलेक्ट्रॉन नवे शेल च नहीं जा रहे, इलेक्ट्रॉन सेम शेल च जा रहे। ते जेड़े इलेक्ट्रॉन सेम शेल च ही हुंदे है ना, जिवें आ दूजा शेल है, न्यूक्लियस तो वो बाहर वाले शेल्स नू स्क्रीन नहीं कर पांदे इफेक्टिवली। सो जिस करके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड़ा है वो वध जांदा है, एज अ रिजल्ट साइज घट जांदा है। पुत्र ध्यान नाल इस चीज नूं समझण दी कोशिश करो। जिदा न्यूक्लियस है फिर बहुत ज्यादा खाली जगह आ जाती है, फिर इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू होते हैं। जे इलेक्ट्रॉन्स इक्को ही शैल च ऐड हो रहे हैं तां न्यूक्लियस तो बाहर वाले शैल नूं आ अंदर वाले तां बेटा स्क्रीन कर दे, न्यूक्लियस दा इफेक्ट बाहर तक महसूस करवाण दे लई इह बचांदे है। मतलब न्यूक्लियस दा प्रभाव इन्ना तक ही रह जांदा है, बाहर घट पहुंचदा है। हुण जदों पीरियड दे विच आपां गल कर रहे हैं तां इलेक्ट्रॉन इक्को ही शैल च भरे जा रहे हैं। सो जिहड़े इक्को शैल च भरे जांदे है ना उह न्यूक्लियस दे प्रभाव नूं बाहर तक आउण तों नहीं रोक सकदे। सो न्यूक्लियस दा प्रभाव लगातार बाहर तक वधेगा।
क्योंकि स्क्रीनिंग जिहड़ी है वह इफेक्टिव नहीं होंगी। इको शैल च जिहड़े प्रेजेंट होंगे ना इलेक्ट्रॉन वह इफेक्टिवली स्क्रीन नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट जिहड़ा इफेक्टिव न्यूकलीयर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूकलीयर चार्ज की होंदा है, जे आपां न्यूकलीयर चार्ज दे विचों स्क्रीनिंग कॉन्सटेंट या शील्डिंग इफेक्ट माइनस कर दिए तां उहनूं असीं कहिंदे हां जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूकलीयर चार्ज। जदों इफेक्टिव न्यूकलीयर चार्ज वध जाएगा ना तां साइज जिहड़ा है वह घट जाएगा। हुण जे आपां एक एग्जाम्पल लैंदे हां इत्थे कि इत्थे लीथियम दा जिहड़ा साइज है 152 है, बेरीलियम दा 111 है, तो साइज यू कैन सी कि साइज जिहड़ा है घटदा जा रहा है। पर आ की होया, नाइट्रोजन दे बाद ऑक्सीजन दा साइज घटना चाहिदा सी ना, इह तां वध गया। क्यों वध गया? ऑक्सीजन हैज बिगर एटोमिक साइज एंड दैन नाइट्रोजन। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन दे केस दे विच देखो पूरी स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन है, पर ऑक्सीजन दे केस दे विच इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट होगी। इत्थे 2p3 सी, सारे हाफ फिल्ड सी, इत्थे 2p4 बन गया, तां इत्थे पेयरिंग स्टार्ट होगी। मतलब यह है कि हुन इलेक्ट्रॉन्स जिहड़े है आपस च ज्यादा रिपेल करनगे। जदों इलेक्ट्रॉन रिपेल करनगे तां एज अ रिजल्ट साइज वड्डा हो जाएगा। ठीक है, सो यह चीज याद करनी है बेटा। इत्थे यह सवाल तुहानूं पुछया जा सकता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे विचों किहदा एटोमिक साइज बड़ा होएगा? ऑक्सीजन दा बड़ा होएगा। क्यों बड़ा होएगा? क्योंकि इंदे विच रिपल्शंस इलेक्ट्रॉन्स दे विच ज्यादा प्रोमिनेंट हो जांदी है। हुन आपां देखदे हां वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप। जिवें बेटा तुसी देख ही सकदे हो कि ग्रुप दे विच जदों आपां टॉप तो बॉटम वल जांदे हां तां एटम दा साइज वड्डा हो रहा है। एटॉमिक साइज इनक्रीजेस डाउन द ग्रुप। व्हाई? बिकॉज़ पहली गल ये जिवें आपां लीथियम, सोडियम, पोटैशियम, रूबीडियम, सीजियम इन्हां दी ही एग्जाम्पल लै लिए, जे इत्थे 2s1 है तां इत्थे 3s1 है, इत्थे 4s1 है, लाइकवाइज अगे अगे जाई जांदे है। सो एवरी टाइम न्यू शैल इज एडेड। लीथियम दे विच दो शैल सी, इत्थे तीसरा आ गया, इत्थे चौथा आ गया। एट एवरी स्टेप न्यू शैल इज एडेड। ते जदों नवा शैल आ जाएगा, एवरी टाइम न्यू शैल, तां अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जिहड़े है ओह बाहर वाले इलेक्ट्रॉन नूं स्क्रीन करनगे न्यूक्लियस दे इफेक्ट तों, शील्डिंग इफेक्ट देनगे। सो जेड इफेक्टिव ते की असर आएगा? जेड इफेक्टिव दा मतलब की हुंदा है? जेड इफेक्टिव जिवें मैं तुहानूं पहलां हुणे ही दस्या है कि न्यूक्लियर चार्ज दे विचों जे आपां शील्डिंग इफेक्ट माइनस कर दिए। सो व्हाट डू यू थिंक? जे शील्डिंग इफेक्ट वध्या, न्यूक्लियर चार्ज दे विचों शील्डिंग इफेक्ट वध गया, घटा दांगे आपां, तां किन्ना जेड इफेक्टिव आ जाएगा अपने कोले? यस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, क्योंकि अंदरले इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्टिवली कर रहे हैं। जदों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया तां साइज विल डेफिनेटली एक्सपैंड। तो स्क्रीन ते हुण तुसी सेकंड पीरियड देख रहे हो बेटा, तां इंदे विच क्लीयरली विजिबल है कि साइज घटदा जा रहा है। इस तरह के डायग्राम की हेल्प के नाल बेटे अपने दिमाग दे विच एक पिक्चर, ट्रेंड की जिहड़ी पिक्चर है ना वो क्लीयर हो जाती है कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। सो ग्रुप दे विच जिस तरह नंबर ऑफ शेल्स वध रहे हैं उसे तरीके नाल शील्डिंग वध जाती है। एज अ रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है ते एटॉमिक रेडियस वध जाता है। हुण जे आपां स्क्रीन ते जो दिखाया जा रहा है, जे इस तरह की एक डायग्राम अपने माइंड च रखांगे तो सानूं दिखता है, याद भी रहेगा कि एटॉमिक साइज अलोंग अ पीरियड डिक्रीजेस, वेयर एज डाउन द ग्रुप इट इनक्रीजेस। सो साइज दे, एटॉमिक साइज दे इस ट्रेंड नूं कदे नहीं भुलना, इस पिक्चर नूं दिमाग च रखना है।